एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आज का व्लॉग। तो आज है डेट है आज 14 जुलाई। बहुत ही स्पेशल डेट है हम सब के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि आज जो है हमारे घर की जो दो बेटियां हैं, ट्विंस बेटियां, काजल कोमल दीदी जाने की मेरी सिस्टर इन लॉ, उन दोनों का बर्थडे है। तो अभी शाम के पूरे 5 बज चुके हैं, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। रेडी इन द सेंस हो चुकी हूँ, वैसे तो बस इयररिंग्स और मुझे अपना मंगलसूत्र पहनना है, जो कि मैंने अभी नहीं पहना है। और मेरे हस्बैंड जो है आज हाफ डे लेकर आए हैं, ऑफिस से जल्दी आए हैं, तो वो भी बस रेडी हो रहे हैं और हम लोग निकलेंगे। अभी वो जो काजल कोमल दीदी हैं जिनका बर्थडे है, वो बुआ जी के घर पर है, तो हम लोग वहाँ से उनको, मतलब हम लोग जाएंगे वहाँ पर, फिर काजल कोमल दीदी को लेकर हम लोग आज कुछ प्लान है बाहर ही सेलिब्रेट करने का। तो जो भी प्लान है, जो भी सेलिब्रेट करेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस मोमेंट को शेयर करने में आपके साथ, प्लस इसको हमेशा के लिए सेव करके रखने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी हम लोग ना ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, तो हमारे लिए ये वाला जो बर्थडे है उनका वो सेव रहेगा। तो मेरी शादी के बाद तो ये पहला बर्थडे है, इससे पहले जो मेरी एंगेजमेंट के बाद था, तो तब मैं इतना अच्छे से उनके, मतलब उनके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी, बट अभी हम लोग साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये टी शर्ट मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, आपकी टी शर्ट आप पहन लीजिए। तो इस ब्लॉग को हम लोग शुरू कर, मैंने अब कर दिया है और देखते हैं कब तक ये चलता है। सेलिब्रेशन तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको आज पूरा। सो काजल कोमल दीदी का बर्थडे है और उनके लिए कुछ गिफ्ट ना लिया जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो उनकी भैया भाभी की तरफ से, मतलब मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ, तो उनके बड़े भैया और भाभी की तरफ से मैंने उनके लिए ड्रेस लिया है। ये देखिए पूरा कुर्ता सेट है, ये बहुत ही प्यारा है, ये क्रीम कलर का कुर्ता विथ पिंक कलर, एंड ये वाला कुर्ता सेट मैंने लिया है, बहुत प्यारा प्यारा है। और इसको मैं भी ओपन करके नहीं दिखा सकती आपको, बिकॉज क्या है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी इसको दोबारा पैक करने का, तो मैं इसको पैक कर लेती हूँ। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे बाय करनी है उनके लिए, तो वो मैं रास्ते में बाय करते हुए ही जाऊँगी। सो कैसा लगा आपको, अच्छे लगे ना, ये दोनों दिखाती हूँ एक बार फिर से। ये देखिए ये है, ये पर्पल कलर में है इस तरीके से। मुझे पता है कि वो ना कैसे किस टाइप के पहनेंगी, और मुझे लगा कि ये दोनों ही कलर जो है उनके पास नहीं थे, और दोनों ही बहुत प्यारे कलर से। देखिए मेरी आज उंगली में थोड़ा सा कट लग गया है, बैंडेड। आई विश कि उनको भी पसंद आए। फटाफट से वो सारी चीज़ें भी कर लेती हूँ जो भी मैंने नहीं किए। मुझे इयररिंग्स चाहिए, इयररिंग्स मेरे पास है नहीं कुछ भी वेस्टर्न पे वेयर करने के लिए, तो हो सकता है मैं रास्ते में से कोई भी पर्ल वाला इयररिंग्स मैं बाय करके पहन लूँ, प्लस मंगलसूत्र पहन लेती हूँ, और मेरा चूड़ा वूड़ा, मेरा आज वेस्टर्न ड्रेस मैंने वेयर किया है अपना, थोड़ा सा जुगाड़ करके मैंने वेयर किया, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इस ड्रेस के ऊपर हमारी पूरी, मतलब हमारे काफ़ी सारे लोग होंगे साथ में, फैमिली होगी, तो मैंने इस ड्रेस है ये मेरा वेस्टर्न, उसके साथ मैंने शर्ट वेयर किया है, एंड प्लस ये देखिए मैंने जैगिंग वेयर की है। तो कैसा पूरा लुक कैसा दिखाऊँ मैं आपको, चलो आगे दिखाऊँगी अगर दिखा पाई तो। चलती फिलहाल चलते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बुआ जी के घर पे, और जाते ही हम लोग, मतलब अंदर रूम में घुस जाएंगे, दीदी को विश करेंगे। हरे भगवान, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग टचअप कर रहे थे, हमारा तो हो गया डबल मेकअप, मिट्टी धूल सब। आजो आज है ना, है ना, इयररिंग्स ला। सो मैं आपको भी मिलवाती हूँ बर्थडे गर्ल से। ये है हमारी घर की दो परी, काजल दीदी एंड कोमल दीदी, दोनों ट्विंस हैं और दोनों का बर्थडे भी चेंज कर लिए कपड़े, क्योंकि यहाँ पे किसी को मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगे, तो मैंने ये पहन लिया काजल दीदी का, और ये मेरे हस्बैंड है। अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं। सो अभी हम सब लोग निकल चुके हैं घर से। सो गाइस अभी हम सब लोग
अभी हम सब लोग रेडी होके जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हवेली, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। सो ये है मन्नत हवेली जहाँ हम लोग गए थे, और यहाँ पे ना रात में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं तो पहली बार ही आई हूँ, हाँ पहली बार ही आई हूँ, क्योंकि मैं तो इसके बाहर से निकल जाती थी हर बार, इसके अंदर नहीं आई। और जो इसके पास में गर्म धर्म है वहाँ मैं गई हूँ, लेकिन यहाँ नहीं आई थी। तो यहाँ से हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और यहाँ पे जो एंट्रेंस पे जो बैठे होते हैं ना, वो जो डांस करते हैं ट्रेडिशनल बजाते हैं, वो आपको मैं आके दिखाऊंगी, ढोल वगैरह बजाते हैं, राजस्थानी डांस करते हैं, उस पर हम सब लोगों ने डांस किया। लेकिन उसमें जो स्टार ऑफ द डे थी, स्टार ऑफ द नाइट थी, वो थी मेरी बुआ जी। बुआ जी ने इतना अच्छा डांस किया, इतना कॉम्पिटिशन दिया उस लड़के को कि आपको बता नहीं सकते, आप लोग खुद ही देखिएगा। और उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था, बहुत अच्छा। Thank you.
सो ये अभी हम लोग एंटर कर लिए हैं और यहाँ पे ना क्या होता है कि कोई भी आए बिना पिक्चर खींचे यहाँ से चला जाए ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, बिकॉज़ यहाँ की जो ब्यूटी है ना वो यही है। यहाँ पे बहुत मतलब बहुत सुंदर है ये जगह और फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह भी हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और फिर हम लोग जो है बैठ गए और फिर हमने केक कटिंग किया जैसा कि करते हैं सबके साथ में। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है। सीपी में कनॉट प्लेस में जो प्रिंट ब्लूची है उसका भी थोड़ा थोड़ा जो अंदर का जो एरिया है ना वो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, बाकी तो चेंज है। दीदी आगे बोला जब से घर से निकल के भूख लग रही है। हां घर पे ही लगाना है। देखिए और बढ़िया है मच्छी के खाना हो बेटू प्लीज अच्छा खराब ना दोनों खाने कहाँ से अंदर से आ गया भैया? भैया अंदर से क्या आ गया? अंदर से आ गया पहले वीडियो एकदम नहीं होना चाहिए प्यार से बोलो तभी खा ले सब्जी कैसा है? सब्जी कैसा है? मशरूम और पनीर ना साफ भी हो गया चाप भी आएगा तुम्हारा चाप भी आएगा कौन अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारी हालत बहुत खराब है बिकॉज हमने बहुत सारी वीडियोज और फोटोज ली हैं। आप देख सकते हैं दीदी भी कितनी परेशान होगी पसीने से सबको गर्मी तो मौसम अच्छा है लेकिन फिर भी गर्मी है। तो मैं इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ और आई होप कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए Awesome view.